एआरजी ग्रुप को डिफॉल्टर घोषित की मांग। एआरजी ग्रुप और रेरा पर मिली भगत कर रुपये हड़प करने का आरोप। अगर्स होम पर रेरा द्वारा दिए गए आदेश को लेकर भूमि मालिक और सभी लेनदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि आत्मा राम गुप्ता ग्रुप और रेरा के चेयरमैन निहाल चंद गोयल द्वारा सोसाइटी के साथ मिली भगत कर गलत ऑर्डर निकाल कर लेनदारों का रुपया हड़प करने का आरोप लगाया गया। 6 महीनों से किसी का भी पेमेंट नहीं मिला। भूमि मालिक प्रतीक गोयल ने बताया कि आत्माराम गुप्ता एआरजी ग्रुप के डायरेक्टर ने प्रोजेक्ट अगर्स में 28 करोड़ रुपए निकाले। एआरजी के खिलाफ थाना बजाज नगर में शिकायत भी दर्ज कराई गई। उसके बाद ये अलग अलग फोरम्स पे जाके झूठे सच्चे केसेस डाल के कोई भी ऑर्डर बिना देखे समझे इन्होंने समझाया कि ले आए, और उसके बाद इनकी कांस्टेंट हर लैंड ओनर के साथ यही स्थिति रही कि भाई साहब आप हमें और पैसा दे, बिल्डिंग हमने बनाई नहीं, काम हमने किया नहीं, मगर पैसा हमें और दे दो। आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हो कि मैं बिल्डिंग बंद करा दूँगा, इलीगली आपने बैंक बंद करा दिए, बिल्डिंग चौक कर दी बेसिकली फंड, तो आदमी कस्टमर को गुमराह करते हैं, एम्प्लॉयों के पैसे नहीं देते। एम्प्लॉयों के पैसे देने के लिए इनकी जान निकलती है कि भैया हम क्यों दे दें, जब होंगे तब देंगे, तो बंदा काम कैसे करेगा। जब हम पूरी बनवा रहे हैं तो आप हमें बनाने नहीं दोगे, क्योंकि अगर आप बनाने दोगे तो भाई साहब आप कैसे बोलोगे कि साहब नहीं बना सकता हूँ। तो सब जगह झूठ सच करना, गुमराह करना, इसके अलावा और कोई काम नहीं है हर प्रोजेक्ट में। क्यों सर, यही हिसाब किताब है कि इलीगली पैसा निकाल लिए और उसके बाद भूमि मालिक को और हर आदमी को ब्लैकमेल करना, पैसे नहीं देना, हर तरफ से सिर्फ एक ही चीज़ कह रही कि आप मुझे और पैसा दे। कहाँ से देगा आदमी, बिल्डिंग बनाएगा या इनको पैसा देगा? तो तथ्य ये है बेसिकली कि आज महकमा तफ्तीश कर रहा है, उन्होंने रिपोर्ट निकाली कि साहब इन्होंने ये फ्रॉड किया हमारे डेटा पे नहीं, बैंकों से तथ्य समझ के चीज़ें सामने आ गई। उसके बाद भी अगला मानने को तैयार नहीं, बोले नहीं साहब आप और दे दो। तो कहीं ना कहीं आपको जस्टिस तो चाहिए कि चीज़ हम अपने घर से लाके पैसा लगा रहे हैं और ये भाई साहब निकाले जा रहे हैं और उसके बाद इनका कुछ जवाबदारी नहीं, तो जवाबदारी कहीं तो बनेगी। आपके माध्यम से इनकी जवाबदारी बनाएंगे सर कि ये हमें काम करने दे, ख़त्म करने दे, चीज़ अच्छी हमने बना ली तो उसके अंदर बिना बात अड़ना क्यों। ठीक है, फोरम्स में जाते हैं, वहाँ पे फोरम देखता नहीं है कि अभी आलोक जी समझा रहे थे आपको कि बिना सर्वे किए आप ये बोल रहे हैं कि बिल्डिंग बंद पड़ी है। आपको ये बिल्डिंग बंद पड़ी भी दिखती, जब पूरी बन रही है आप उसको अड़ा रहे हो और बिना एक महकमा, एक डिपार्टमेंट है जो उसे बिना देखे ये बोल रहा है, एक डिसीजन पास कर देते हैं कि भाई बिल्डिंग बंद है इसीलिए हम इस तरफ इनको बनाने दे, बिना ये देखे कि वो ऑलरेडी फ्रॉड कर चुके, जब रिपोर्ट है जो आपको दे दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमें ये तो देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। आप सच के साथ जाना तो पड़ेगा उन्हें, बट वो जाना चाहता नहीं कोई भी, उसके रीजंस वो बेहतर जानते हैं। मगर हर एक भूमि मालिक के साथ तो सेम तरह का अगर ये इशू कर रहे हैं और उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं है और रेरा नहीं देख पा रहा, तो ये चीजें सुधारनी तो हमें पड़ेंगी सर। आज एक बिल्डिंग जो 3 साल में बननी है, जो आदमी 9 साल में नहीं बना पाया और जब हमने बना दी तो उसको आके वो कब्जा लेना चाहते हैं किस तरह। तो आज अगर डिपार्टमेंट इन चीजों को नहीं देखेगा, जो कि बंदा फ्रॉड करके और सबके पैसे खा के निकाल के बैठे हैं, तो कैसे कैसे काम चलेगा। ये तो आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि भाई इसको ये चीजें सीधी करी जाए। सर हमारे निशाने पे कोई नहीं है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो सत्य है उसे देखा जाए, सही डिसीजन दिया जाए साहब। वो तो उनका काम है करना डिपार्टमेंट। सर ये मिस्टर अश्विनी गोयल हैं, व्हाट्सएप कॉल में दिल्ली में है, यानी आप आए थे एक तो मेरे यहाँ फ्लैट है इसी बिल्डिंग के अंदर, और मैं जैसे बाकी कस्टमर्स परेशान है ऐसे ही परेशान हूँ कि उसका पोजीशन कम मिलेगा,
अभी लड़ाई दो लोगों के बीच की है, डेवलपर की और लैंड ओनर के बीच की। बट अगर आप थोड़ा सा भी चीज़ों को समझेंगे तो 2020 में या 19 में लैंड ओनर को डेवलपर ने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, बिल्डिंग को आप बनाओ। अब बिल्डिंग वो बनाने लगे तो हमें लगा कि शायद हमारे को 2-4 महीने में, साल भर में इसका पोजेशन मिल जाएगा तो हम लोग इसमें शिफ्ट हो जाएंगे। बट बाद में उन्होंने फिर से बोला कि नहीं, बिल्डिंग को तो मैं ही बनाऊंगा। तो अभी झगड़ा इस बात का चल रहा है कि बिल्डिंग को मैं बनाऊंगा, जो बिल्डिंग बन चुकी है उसको पहले तो मैंने बनाया ही नहीं, अब जब बन चुकी है तो मुझे फिर से इसको बनाना है, इसमें जो पेंडिंग काम है मुझे करने हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं मेरा जो ब्रांड है, मेरा जो टैग है वो इसके ऊपर लगा रहा है कि बिल्डिंग को मैंने ही बनाया, जबकि सच ये है कि पिछले 2 सालों में उन्होंने यहाँ पर कोई भी काम नहीं किया। तो आई बींग ए कस्टमर, मुझे लगता है जो काम कर रहा है मुझे उसके साथ जाना चाहिए। तो मुझे तो यहाँ पे फ्लैट लेना है तो मेरा पर्पस, मेन ऑब्जेक्टिव फ्लैट का है कि मुझे फ्लैट मिल जाए, चाहे वो ARG बनाए, चाहे वो लैंड ओनर बनाए, सॉरी। लेकिन सम हाँ, जब आप चीज़ों को होते हुए देखते हैं कि एक्स आदमी काम कर रहा है तो आप एक्स के साथ ही आप जाना चाहेंगे, उसी आदमी में फेथ रखेंगे। तो पिछले 2.5 सालों के अंदर, 2 सालों के अंदर जो भी काम हुआ है यहाँ पर, वो लैंड ओनर के द्वारा करा गया, जबकि वो काम करके देना था ARG को। तो अब ARG एक ऐसा नाम है राजस्थान में, शहर में, जो एक बहुत बड़ा नाम है। तो कोई भी जो लैंड ओनर है उसको लगता है इस आदमी के साथ में अगर आप कोई, अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हो, कोई जॉइंट वेंचर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो जाएगा, एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। बट अभी जो परिस्थितियां हैं और जो एक्चुअल स्थिति वो ये है कि जितने भी लैंड ओनर हैं उनका एक भी प्रोजेक्ट जो है ARG ने पूरा नहीं किया। तो सभी कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, जैसे कस्टमर जो पीड़ित है वैसे ही लैंड ओनर भी पीड़ित है आज की डेट में ARG के साथ। तो मेरा भी एक प्रोजेक्ट है ARG अनंता 2, और वो अनंता 2 भी पिछले 2.5 सालों से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के नाम पे एक ईंट भी नहीं रखी गई। तो इस तरीके से जितने भी लोग हैं, जिस भी लैंड ओनर के पास में जाओगे, जहाँ पर भी ARG के साथ में डील है, वो सभी परेशान हैं। तो मीडिया के माध्यम से हर आदमी ये चाहता है कि कहीं ना कहीं किसी रूप में उस तक ये बात पहुंचे, प्रशासन तक बात पहुंचे, जिससे कि चाहे वो ये वेंडर लोग हैं इनको पेमेंट मिले, कस्टमर है उनको फ्लैट मिले, या लैंड ओनर है उसके जो एक एग्रीमेंट उसके साथ में हुआ है उस एग्रीमेंट के तहत वो बिल्डिंग बने, जिससे वो भी कहीं ना कहीं उस चीज़ से फ्री हो। तो आज की डेट में संक्षेप में यही कहना चाहूँगा कि ARG ने सभी लोगों को अटका रखा है, सच बात तो ये है। और शहर में जो उनका नाम है आप लोगों से छुपा नहीं होगा, आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं, पर ये चाहते हैं किसी तरीके से इस सच और लोगों तक पहुंचे, जिससे कहीं ना कहीं आदमी को सद्बुद्धि मिले और एक्शन में आके कम से कम चीजें जो रुकी हुई हैं, जो अटकी हैं, उनको तो पूरा करे। वो नए काम को तो मुझे लगता नहीं कोई आदमी आज की डेट में उससे डील करेगा, पर जो कर चुका है एटलीस्ट उसको तो ऑनर करे, वो उस काम को तो करे। वो बस इतना यही है कि आप लोगों के माध्यम से वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन उन तक भी पहुंचे, और कहीं ना कहीं जो एजेंसी ARG एक बड़ा ब्रांड नाम है उसकी वजह से अगर किसी दबाव में आके कोई डिसीजन लेती है तो मुझे लगता है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ जी, मेरा नाम ये है कि जो रेरा ने डिसीजन दिया है कि हम इस प्रोजेक्ट पे OC ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट आने के बाद ही क्रेडिटर्स को पेमेंट मिलेगी, जो गलत है, उसके अगेंस्ट में हैं हम। और इसके लिए हमने एक कंप्लेंट ऑलरेडी पुलिस स्टेशन बजाज नगर में दायर कर दी है। NC गोयल जी, अब्राहम गुप्ता जी और जो मेन कस्टमर्स के अंदर समृद्ध है, जो धमकियां भी दे रहे हैं हम लोगों को कि भी आप लोग यहाँ से निकलो नहीं तो हम यहाँ पे आके मारपीट भी करेंगे, उसके लिए बाकायदा प्रूफ के साथ हमने वो सबमिट कर दिया है। दूसरी चीज, कोई भी अथॉरिटी ये कहने की अधिकारी नहीं है कि आप काम करा लीजिए और पैसे मत दीजिए, लेबर के पैसे मत दीजिए, कॉन्ट्रेक्टर्स के मत दीजिए, एम्प्लॉइज का वेतन मत दो और उनको 6 महीने तक इंतजार कराओ या 1 साल इंतजार कराओ और बिना उनकी बात सुने हुए। तो इसके हम अगेंस्ट में, और हमने डिसीजन लिया है कि जब तक 100% पेमेंट विद इंटरेस्ट हमारी नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ किसी और को काम नहीं करने देंगे। इस प्रोजेक्ट पे हमने काम किया है, इस प्रोजेक्ट के जो पैसे हैं पहले जमा हो, जिन कस्टमर के पैसे बाकी वो पेमेंट करें और लाने के बाद वो पैसे हम लोगों को दिए जाएं, उसके बाद बाकी काम हमसे कराना चाहते हैं हमसे कराएं, किसी और से कराना चाहते हैं किसी और से कराएं, हमको विषय नहीं। सर, मेरा नाम आलोक श्रीवास्तव है, पत्थर लगा में जो भी स्टोन लगा हुआ है पत्थर यहाँ पे वो सप्लाई करता हूँ। 2021 से पेमेंट बाकी है दिसंबर से, वो पेमेंट देते नहीं है जो ARG, और इनको देने नहीं देते, अकाउंट ब्लॉक करा दिया था, हमारा पेमेंट भी हो रहा था दिवाली पे, उसने अकाउंट ब्लॉक करा दिया। अब सर हमारी तो यही है, हम 2 साल से परेशान हैं, हमारा पेमेंट आए आपके माध्यम से, ये कहना चाहेंगे सारे परेशान हैं, हम गरीब लाइट वाले हैं, ये कारपेंटर का रेलिंग का काम है, तो सर सब मजदूर हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बड़े लोग हैं, अब इनकी लड़ाई में हम इसने, तो हम तो बस हाथ जोड़ के ही कहेंगे जैसे भी हो हमारा पेमेंट हो। ARG और कुछ उनका रिलेशन है, कुछ लेट बैक गिफ्ट किए उनको पता नहीं, तो उन्होंने अपने लालच में आके गलत डिसीजन दिए। वेंडर्स को पेमेंट नहीं देने का जो डिसीजन है वो गलत है, हम ये मानते हैं कि जो भी आप किसी से भी काम कराएं, चाहे लैंड ओनर करें चाहे ARG कंप्लीट करें, भाई हमारा पेमेंट हमको
पहले किया जाए, उसके बाद आप किसी से भी कराए, हमें कोई उससे बहस नहीं है भाई, हमारे उसमें किसी से कोई रुकावट नहीं है, पहले हमारा पेमेंट कर दें इंटरेस्ट समेत, उसके बाद ये बिल्डिंग किसी से कंप्लीट कराएं, हमसे कराना चाहें हम भी करने को तैयार है साहब, ऐसा नहीं है, बस ये है कि पहले हमारा पेमेंट।